दोस्तों आज से फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल सभी लोगों के लिए लाइव हो गई है और दोस्तों इस सेल के अंदर आपको काफी सारा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है स्मार्टफोन के ऊपर। तो गाइज आज मैं आपको 20 प्लस ऐसे मोबाइल फोन्स बताऊंगा जिनके ऊपर आपको काफी हैवी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा बिग दिवाली सेल के अंदर। और अगर आपको अक्टूबर के महीने में स्मार्टफोन बाय करना है तो ये टाइम आपके लिए सबसे बेस्ट होगा क्योंकि इस टाइम में आपको काफी हैवी डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो गाइज अगर आप भी आने वाले समय में एक मोबाइल फोन बाय करना चाहते हो तो आज मैं आपको 20 प्लस मोबाइल फोन्स डील्स के बारे में बताऊंगा जो आपको बिग दिवाली सेल के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो हे गाइस मेरा नाम है अंकुर राठी और आप देख रहे हैं फालतू टेक। दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का। आई होप कि गाइस आप लोग 200 लाइक्स को काफी जल्दी कंप्लीट कर दोगे। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं रियलमी की तरफ से आने वाले रियलमी नार्जो 50A की। दोस्तों ये मोबाइल फोन कुछ दिनों पहले इंडिया के टेक मार्केट में लॉन्च किया गया था। आमतौर पर 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के जिसके प्राइस होते हैं वो 11,500 होते हैं, लेकिन प्राइस कट करके ये आपको 10,000 की कीमत में मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो आपको मैक्सिमम 1,250 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 10% डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। मोटा मोटी माने तो ये मोबाइल फोन आपको 9,000 की कीमत में देखने को मिल जाएगा जो आपको 6000 mAh की बैटरी के साथ मिलता है, हीलियस G85 के प्रोसेसर के साथ मिलता है। तो नार्जो 50A भी आपके लिए बेस्ट डील रहने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट मोबाइल फोन की बात करी है रियलमी नार्जो 30। दोस्तों ये मोबाइल फोन आमतौर पर आपको 13,500 की कीमत में मिलते हैं, लेकिन मोबाइल फोन के प्राइस कट होकर आपको 12,000 मिलेगी। लेकिन अगर आप कार्ड का फायदा उठाते हो तो ये मोबाइल फोन आपको 10,800 रुपए की कीमत में मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियस G95 का पावरफुल प्रोसेसर मिलता है, 90Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले और 30W की चार्जिंग मिलती है। तो 10,800 रुपए की कीमत में ये आपके लिए एक रॉकिंग डील रहने वाली है। दोस्तों बात करें पोको M3 की, तो दोस्तों पोको M3 वैसे तो आपको 6GB रैम वाला वेरिएंट 12,000 के आसपास मिलता है, लेकिन अभी के टाइम में इस मोबाइल फोन को आप लोग केवल 10,349 रुपए की कीमत में बाई कर सकते हो, जो आपके लिए एक रॉकिंग डील रहने वाली है। यहाँ पर भी आपको काफी अच्छी स्पेक्स मिलती है। गाइस नेक्स्ट मोबाइल फोन की बात करें रियलमी C21Y, देखा जाए तो रियलमी C21Y भी एक अच्छा मोबाइल फोन है। 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलते हैं और फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल के अंदर आप इसे 7,649 रुपए की कीमत में बाई कर सकते हो। मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग इसे भी एक बार चेकआउट कर सकते हो, एक अच्छी डील है और रॉकिंग डील है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट मोबाइल फोन की, जो है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F12। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी F12 आप लोग 9,499 रुपए में बिना कार्ड के बाई कर सकते हो। अगर आप कार्ड का यूज करते हो तो इस मोबाइल फोन को आप लोग 8,549 रुपए की कीमत में बाई कर सकते हो। अगर आपको नॉन चाइनीज स्मार्टफोन बाई करना है तो आप लोग गैलेक्सी F12 की तरफ भी जा सकते हो, ये एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है 10,000 से कम की कीमत में। नेक्स्ट मोबाइल फोन की बात करें तो दोस्तों ये आता है पोको की तरफ से जिसका नाम है पोको X3 Pro। दोस्तों आमतौर पर ये मोबाइल फोन आपको 18,000 रुपए की कीमत में देखने को मिलता था, लेकिन फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल के अंदर मोबाइल फोन के जो प्राइस कट होकर आपको मिलते हैं 17,000 रुपए। और दोस्तों अगर हम कार्ड डिस्काउंट की बात करें तो 1,250 रुपए का डिस्काउंट मिलकर ये मोबाइल फोन आपको टोटल 15,749 रुपए की कीमत में मिल जाएगा। दोस्तों 15,749 रुपए की कीमत में यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 860 का पावरफुल प्रोसेसर मिलता है, पावरफुल कैमरे और पावरफुल डिस्प्ले दी गई। तो पोको X3 Pro आपके लिए एक रॉकिंग डील रहने वाली है। नेक्स्ट मोबाइल फोन की बात करी है मोटोरोला Z60। मोटोरोला Z60 एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। आमतौर पर यह मोबाइल फोन आपको 17,000 के आसपास मिलता था, लेकिन प्राइस कट होकर ये आपको 16,000 में मिलेगा। और अगर आप कार्ड का फायदा उठाते हो तो SBI का क्रेडिट कार्ड है अगर आपके पास, तो इस मोबाइल फोन को केवल आप 14,749 रुपए की कीमत में बाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर जो आपको कैमरे और डिस्प्ले मिलते हैं वो काफी पावरफुल मिलती है और गेमिंग परफॉर्मेंस भी यहाँ पर काफी पावरफुल दी गई है। तो मोटो G60 को भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट मोबाइल फोन की बात करें, ये मोबाइल फोन आता है रियलमी की तरफ से जिसका नाम है रियलमी 8। दोस्तों वैसे तो रियलमी 8 का जो बेस वेरिएंट है आपको 16,000 की कीमत में देखने को मिलता था, लेकिन प्राइस कट होकर ये आपको 15,000 में मिलेगा। बट अगर आप SBI के क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो तो ये मोबाइल फोन केवल आपको 1,250 के डिस्काउंट के साथ केवल आपको 13,749 रुपए की कीमत में देखने को मिल जाएगा, जो मेरे हिसाब से एक वैल्यू फॉर मनी डील है, क्योंकि यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले, हीलियस G95 का प्रोसेसर और 64 मेगापिक्सल के कैमरे के सेटअप दिया गया है। तो 13,749 रुपए की कीमत में रियलमी 8 आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी डील रहने वाली है। बात करते हैं सैमसंग के नेक्स्ट मोबाइल फोन की, तो अगर दोस्तों आपको एक अच्छे कैमरे वाला मोबाइल फोन बाई करना है, अच्छे प्रोसेसर वाला सैमसंग का एक बजट मोबाइल फोन बाई करना है, तो ऐसे में आप लोग सैमसंग गैलेक्सी F22 की तरफ जा सकते हो।
आमतौर पर यह मोबाइल फोन आपको 13,000 की कीमत में मिलता था, लेकिन प्राइस कट होकर इस मोबाइल फोन की जो प्राइस है वो 12,000 रुपए रखी गई है सेल के अंदर। और अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो तो ये मोबाइल फोन आपको 10,799 रुपए की कीमत में देखने को मिल जाएगा। जहां पर आपको MediaTek Helio Z80 का प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल के कैमरे का सेटअप और यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको दी गई, जो एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज आपके लिए बन जाता है। दोस्तों नेक्स्ट मोबाइल फोन की बात करें तो ये है पोको का M2 प्रो मोबाइल फोन। हालांकि काफी दिनों पहले लॉन्च किया गया था, लेकिन जिस कीमत में अभी के टाइम में आपको देखने को मिलता है एक वैल्यू फॉर मनी डील है, क्योंकि गाइस आमतौर पर ये मोबाइल फोन आपको 14,000 की कीमत में मिलता था, प्राइस कट होकर 12,000 में मिलेगा। अगर आप SBI कार्ड के क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो तो ये मोबाइल फोन आपको 10,800 रुपए की कीमत में देखने को मिल जाएगा, जो मेरे हिसाब से एक वैल्यू फॉर मनी डील, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपको प्रोसेसर मिलेगा ना वो स्नैपड्रैगन 720Z का मिल जाएगा, पावरफुल बैटरी और 33 वाट की चार्जिंग, 48 मेगापिक्सल की क्वाड कैमरे का सेटअप यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट मोबाइल फोन की बात करते हैं, आप लोग Redmi 9 Power को भी कंसीडर कर सकते हो, जो काफी हद तक पोको M3 से मिलता जुलता है। और वैसे आपको ये 12,000 की कीमत में मिलता था, लेकिन अभी के टाइम में आप लोग इसे अगर हम कार्ड वगैरह लगाकर बात करें तो 9,899 रुपए की कीमत में बाई कर सकते हो, तो ये भी एक रॉकिंग डील आपके लिए बन जाती है। नेक्स्ट 5G मोबाइल फोन की अगर हम लोग बात करें तो 5G मोबाइल फोन के अंदर आप लोग Realme 8 5G को कंसीडर कर सकते हो। वैसे ये मोबाइल फोन आपको प्राइस कट होकर 16,499 रुपए में मिलेगा, कार्ड का यूज करते हो तो 15,249 रुपए की कीमत में मिलेगा। तो मैं बोलूंगा कि एक अच्छी डील है, 5G मोबाइल फोन कंसीडर करने है तो इस मोबाइल फोन को आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अगर दोस्तों हम कुछ इन्फिनिक्स के मोबाइल फोन की बात करें तो क्योंकि बजट रेंज के अंदर इन्फिनिक्स भी काफी अच्छा वर्क करता है, अगर हम लेटेस्ट इन्फिनिक्स Hot 11 सीरीज की बात करें तो इन्फिनिक्स Hot 11 को आप लोग 9,499 रुपए की कीमत में तो आप लोग बिना कार्ड के से बाई कर सकते हो। अगर आपके पास कार्ड है तो इस मोबाइल फोन को आप लोग 8,549 की कीमत में बाई कर सकते हो, जो मेरे हिसाब से एक वैल्यू फॉर मनी डील है। अगर हम इन्फिनिक्स Hot 11 S की बात करें तो नॉर्मल प्राइसिंग की बात करें तो 11,000 में आपको मिलते हैं, लेकिन अगर आप कार्ड का यूज करोगे तो ये मोबाइल फोन आपको 9,899 रुपए कीमत में मिल जाएगी, यानी कि 1,100 रुपए का डिस्काउंट यहाँ आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो लेटेस्ट Helio Z88 का मिल जाता है, काफी बड़ी डिस्प्ले मिलती है और पावरफुल कैमरे भी यहाँ पर दिए गए हैं, जो आपके लिए एक रॉकिंग डील रहने वाली है। अगर दोस्तों हम पोको M3 Pro 5G की बात करें, जो पोको की तरफ से 5G मोबाइल फोन आता है 15,000 से कम की कीमत में। आमतौर पर गाइस ये मोबाइल फोन आपको 15,000 की कीमत में देखने को मिलता था, लेकिन प्राइस कट होकर आपको ये 14,499 रुपए में मिलेगा। लेकिन अगर आप SBI के क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो तो ये मोबाइल फोन ओनली आपको 13,249 की कीमत में मिलेगा। तो 13,249 रुपए की कीमत में ये आपके लिए बेस्ट 5G मोबाइल फोन रहने वाला है, पोको M3 Pro को आप लोग कंसिडर कर सकते हो। दोस्तों अगर हम कुछ माइक्रोमैक्स के मोबाइल फोन की बात करें तो वैसे तो माइक्रोमैक्स के इन 2B पर आपको कोई भी ऑफर देखने को नहीं, तो अभी के टाइम में आप लोग इसे स्किप कर सकते हो। अगर माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की बात करें तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 को केवल आप लोग 8,549 की कीमत में बाई कर सकते हो, जो आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है और आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। गाइज अगर हम बात करें इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 की, जो बजट रेंज के अंदर आता है, अगर आपको 7,000 से कम में स्मार्टफोन बाई करना है तो आप लोग 6,299 रुपए की कीमत में कार्ड लगाकर 6,299 रुपए की कीमत में इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 को बाई कर सकते हो। अगर दोस्तों हम नेक्स्ट मोबाइल फोन की बात करें, यानी कि अगर आपको एक पावरफुल कैमरे वाला मोबाइल फोन बाई करना है, अच्छी डिस्प्ले चाहिए, तो आप लोग Realme 8 Pro को कंसिडर कर सकते हो। ऐसे में अभी के टाइम में ये मोबाइल फोन आपको 18,000 की कीमत में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप कार्ड का यूज करते हो तो 16,749 रुपए की कीमत में मिलेगा। तो मैं बोलूंगा कि ये भी एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज है और रॉकिंग डील आपके लिए है, तो इसे भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और गाइस सबसे रॉकिंग डील के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छी डील जो मुझे लगी है वो है Moto G40 Fusion के ऊपर। Moto G40 Fusion वैसे आपको 14,500 की कीमत में मिलता था, लेकिन प्राइस कट होकर ये मोबाइल फोन आपको 13,000 में मिलेगा। अगर आप लोग SBI के क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो तो ये मोबाइल फोन केवल आपको 11,749 रुपए की कीमत में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 730G का पावरफुल प्रोसेसर मिलता है, 64 मेगापिक्सल के कैमरे का सेटअप मिलता है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली काफी अच्छी डिस्प्ले यहाँ पर दी गई है, जो मेरे हिसाब से एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन जाता है। और गाइस अगर आपको बड़ी डिस्प्ले वाला मोबाइल फोन बाय करना है तो आप लोग इन्फिनिक्स Hot 10 Play को कंसीडर कर सकते हो। अभी के टाइम में ये आपको 8,499 रुपए की कीमत में देखने को मिल जाएगा, 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। अगर दोस्तों आप लोग कार्ड का यूज करते हो तो ये मोबाइल फोन आपको 7,649 रुपए की कीमत में मिलेगा,
जो मेरे हिसाब से आपके लिए एक रोकिंग डील रहने वाली है। कम प्राइस के अंदर, बड़ी डिस्प्ले के अंदर ये मोबाइल फोन आपके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे मोबाइल फोन जिन्हें आप फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल के अंदर बाय कर सकते हो। इन मोबाइल फोन के अंदर आपको काफी हैवी डिस्काउंट देखने को मिलता है। आने वाली वीडियो में आपको एक एक स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा कि किन स्मार्टफोन पर आपको सबसे बेस्ट डील देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।